पर किसी भी तरह के वन्य जीवों का उत्पादन ना करें और प्रयोग ना करें। आप भी बाघ संरक्षण में भागीदारी बन सकते हैं। बाघ सुंदरता, बहादुरी, ताकत और राष्ट्रीयता का प्रतीक है, इसलिए बाघ को बचाना है क्योंकि ये राष्ट्र के गौरव हैं। इन्हें बचाना मतलब राष्ट्र को बचाना है। बाघ ने हमें हमेशा मजबूत होने के लिए प्रेरित किया है। आइए हम अपने ग्रह को बचाने के लिए इन्हें बचाएं, वरना ये विलुप्त हो जाएंगे कि हम इन्हें ढूंढते रह जाएंगे। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इन्हें फिर कभी देख नहीं पाएगी। शौर्य पराक्रम का प्रतीक बाघ, इनका संरक्षण बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अपने प्रयासों को भी निरंतर आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि इनका संरक्षण हो सके। कई तरह के वन विभाग ने पुस्तकों का प्रकाशन किया है, चाहेंगे कि आप उनका अवलोकन जरूर करेंगे और उसके बाद आप उन्हें यहाँ से खरीद कर भी अपने बच्चों के लिए लेकर जा सकते हैं ताकि उनके लिए एक बाघ के प्रति जो सहृदयता है, दोस्ती है, वो यहाँ पर बढ़ चुके। आज का विशेष हमारा जो कार्यक्रम है वो राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह, आज इस कार्यक्रम के हम सब साक्षी हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर। और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्री जी, राज्य मंत्री जी श्री दिलीप अहिरवार जी, साथी हैं श्रीमती कृष्णा गौर जी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसा पुरस्कार समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 2 कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम है श्री चंद्रपाल धुर्वे जी, वन रक्षक, जिन्होंने हैबिटेट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम किया है, ग्रासलैंड मैनेजमेंट पे, जिसके लिए उनको चुना गया है। साथ ही सुखलाल उइके, ये बोटमैन है, जिन्होंने की उसका अच्छा कार्य कर पर्यटन में करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, श्री रामनिवास रावत जी, माननीय वन एवं पर्यावरण विभाग श्री दिलीप अहिरवार जी, राज्य मंत्री। सबसे पहले सविनय निवेदन की दीप प्रज्वलन कर इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब यहाँ उपस्थित हुए। दीपक ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक, कि हम ऊपर उठें और एक ऊर्ध्वगामी परिणाम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय आपसे सनम्र निवेदन कि आप कृपया कर मंच पर आएं, मंचासीन करें, बहुत बहुत शोभा बढ़ाएं, इस मंच की गरिमा बढ़ाएं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जोरदार करतल ध्वनियों से मंच पर हम अपने माननीय मुख्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2024, आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में आज ये कार्यक्रम। हमारे साथ हमारे माननीय अतिथि यहाँ पर विराजित हो चुके हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग, माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी और साथ ही हैं श्रीमती कृष्णा गौर जी हमारे साथ। हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और साथ हमारे साथ भारतीय परम्परा है, अतिथि देवो भव, हम उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम निवेदन करते हैं सबसे पहले श्री अशोक वर्णवाल जी से, अपर प्रधान मुख्य सचिव वन, वे कृपया कर श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम भी इस स्वागत क्रम में शामिल होंगे।
श्री असीम श्रीवास्तव जी, वन बल प्रमुख, आपसे भी निवेदन की कृपया कर आप भी मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत। श्री रामनिवास रावत जी, माननीय वन मंत्री जी का स्वागत करने के लिए श्री असीम श्रीवास्तव जी से मैं विनम्र आग्रह करती हूं कि वे भी तुलसी का पौधा भेंट कर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। शुभ रंजन सेन जी से मैं निवेदन करती हूं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी, तुलसी का पौधा भेंट कर श्रीमती कृष्णा गौर जी का भी स्वागत करें। श्रीमती समिता राजोरा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण, आपसे निवेदन की कृपया कर श्रीमती कृष्णा गौर जी का भी स्वागत करें। श्रीमती समिता राजोरा जी से ही पुनः आग्रह, राज्य वन मंत्री हमारे श्री दिलीप अहिरवार जी का भी तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम इस स्वागत बेला में शामिल होंगे। स्वागत क्रम में हम यही समाप्त करते हैं और हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी, हम इनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वे कृपया कर डायस पर आए और श्री शुभ रंजन सेन जी वे यहां पर आकर स्वागत उद्बोधन दें और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दें। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करते हैं श्री शुभ रंजन सेन जी का। विश्व बाघ दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री रामनिवास रावत जी वन मंत्री जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौर राज्य मंत्री जी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी राज्य मंत्री वन, मंचासीन श्री अशोक बंडवाल अपर मुख्य सचिव वन विभाग, श्री असीम श्रीवास्तव प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश वन विभाग, कार्यक्रम में पधारे समस्त गणमान्य अतिथि, वन विभाग के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत अधिकारी, प्रदेश के टाइगर रिजर्वों से पधारे प्रथम पंक्ति के वनकर्मी, इको विकास समितियों के सदस्य, पर्यटन कार्य में योगदान देने वाले गाइड नेचुरलिस्ट, भोपाल नगर एवं समीप के क्षेत्रों से पधारे छात्र छात्राएं एवं हमारे मीडिया के साथी, विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मैं आप सभी का मध्य प्रदेश वन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बाघ दिवस मनाने की शुरुआत तो वर्ष 2011 से हुई और आज 14वां विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं, किंतु मध्य प्रदेश में बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण का इतिहास एक शताब्दी पुराना है एवं इसका औपचारिक शुरुआत वर्ष 1933 में कान्हा अभयारण्य के गठन से हुई थी। इन 90 वर्षों में वन्य प्राणी संरक्षण प्रयासों ने उतार चढ़ाव के कई दौर देखे हैं, किंतु इस अवधि में हमने ना अपने धैर्य खोया और ना ही मेहनत में कमी आने दी। इसी सतत प्रयासों के परिणाम है कि आज हम न केवल बाघों के सर्वाधिक संख्या के साथ भारत के टाइगर स्टेट के रूप में पहचाने जाते हैं, अपितु तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िए और घड़ियालों के संख्या के आधार पर भी भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। हमारी इस सफलता की कहानी के कई नायक हैं। साल में 365 दिन और 2400 घंटे दूरस्थ वन क्षेत्रों में अपने परिवार से दूर रहकर वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले वनकर्मियों की मेहनत और समर्पण इस सफलता का प्रथम नायक है। हम भाग्यशाली हैं कि विगत दशकों में हमें निरंतर ऐसे कुशल मार्गदर्शक वन्य प्राणी विशेषज्ञ अधिकारी मिले जिन्होंने अपने दूरदर्शिता एवं अनुभव से वन्य प्राणी प्रबंधन की विधा को नित नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया। प्रदेश के वनों के समीप रहने वाले हमारे ग्रामीण विशेषकर आदिवासी समुदायों ने अपनी परंपरागत जीवन शैली में जिस सहजता से वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण को आत्मसात कर लिया है वो न केवल अभूतपूर्व है अपितु उनके बिना वन्य प्राणी एवं बाघ संरक्षण के लक्ष्यों को हासिल करना संभव ही नहीं था। हम इस दृष्टि से भी अत्यंत भाग्यशाली है कि प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व ने सदैव ही वन विभाग को कुशल मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए हैं।
संरक्षित क्षेत्र के आज हम इन्हीं समर्पण त्याग और मेहनत से अर्जित किए गए बाघ राज्य के दर्जे को एवं बाघ दिवस के उत्सव को मनाने एकत्रित हुए हैं। मैं पुनः अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। जय मध्य प्रदेश, जय बाघ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। माननीय हमारे मंचासीन अतिथियों से विनम्र आग्रह कि विभागीय प्रकाशन की तरफ से यहाँ पर पुस्तकों का विमोचन करना है। सबसे पहले विलेज रिलोकेशन सतपुड़ा मॉडल पुस्तक का यहाँ विमोचन किया जाएगा। विनम्र आग्रह मेरा श्री एल कृष्णमूर्ति जी से। APCCF है FD सतपुड़ा में, कृपया कर आप भी मंच पर आए और विलेज रिलोकेशन सतपुड़ा मॉडल पुस्तक का विमोचन कर यहाँ पर आज इस शुभ कार्य को संपन्न करें। हमारे मंचासीन अतिथि यहाँ पर हैं, जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत में आप भी शामिल होइए। वन विभाग का अभिनव पहल कि ना केवल आप जंगलों को देख सकते हैं बल्कि जंगलों को आप पढ़ भी सकते हैं। वन्य प्राणी, उनका जीवन और उनका व्यवहार आप केवल आंखों से देखकर आप उसे महसूस करने के साथ साथ उसे पढ़ सकते हैं। पुनः एक बार करतल ध्वनि से इस पुस्तक का हम स्वागत करते हैं। दूसरी पुस्तक पेज टाइगर बिहेवियर एक्टिविटी किट 3, विनम्र आग्रह रजनीश कुमार सिंह जी से कि वे कृपया कर मंच पर आए। उप संचालक पेज टाइगर रिजर्व, इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन होगा। रजनीश कुमार सिंह जी ने इसे लिखा है और विभागीय प्रकाशन में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप इसे जरूर पढ़िएगा और इसे जरूर आप देखिएगा। हमारे माननीय मंचासीन अतिथियों के शुभ कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं पेज टाइगर बिहेवियर एक्टिविटी किट 3 पुस्तक का। तीसरी पुस्तक कान्हा की कहानियां द कार्बेट फाउंडेशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है। श्री केदार गोरे जी, डायरेक्टर कार्बेट फाउंडेशन जी से मेरा विनम्र आग्रह कि वे कृपया कर मंच पर आए और इस पुस्तक विमोचन में भी अपनी सहभागिता करें। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के शुभ कर कमलों से कान्हा की कहानियां द कार्बेट फाउंडेशन मुंबई द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन। अद्भुत बात कि हम महसूस कर सकते हैं जिस तरह जंगल को, आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं चित्रों के साथ। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं कान्हा की कहानियों का। विभाग की प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन के तत्पश्चात मेरा सभी से विनम्र आग्रह मंचासीन अतिथियों से कि वे कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि लघु वृत्त चित्र यहाँ पर दो दो मिनट की क्लिपिंग सिखाई जाएंगी। सबसे पहले टाइगर वॉरियर्स का हम यहाँ पर प्रकाशन करेंगे। यहाँ पर टाइगर वॉरियर्स मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी संरक्षण एवं सक्रिय प्रबंधन पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र है। 45 मिनट की है लेकिन हम यहाँ आपके समक्ष दो मिनट का यहाँ पर प्रमोशन देखना चाहते हैं। कृपया कर प्रमोशन करें। कहते हैं कि हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में बसता है और इस दिल में बसता है दुनिया के 15% से भी अधिक बाघों का घर। 50 साल पहले जंगली बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी लेकिन गर्व की बात यह है कि आज ये संख्या बढ़ रही है। सन 2006 में जहां मात्र 300 बाघों का बसेरा था, आज उसी जगह ये आंकड़ा 700 तक पहुंच चुका है। इसका सारा श्रेय जाता है मध्य प्रदेश के वन विभाग को, जिसने संरक्षण किया बाघ जैसे अद्भुत जीव का, दुनिया के सबसे कुशल शिकारी। इनके बीच रहकर इनका संरक्षण करना कोई आसान काम नहीं है। इसका परिचय हमें तब हुआ जब हम खुद साक्षी बने उनके साहस, प्रेम, एकता और सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीवों के लिए उनकी करुणा का। इस सफर के दौरान हमारी मुलाकात वन के उन योद्धाओं से हुई जिन्होंने अपना जीवन बाघों को समर्पित कर दिया, जो अपने परिवार से दूर जंगल की गहराई में सिमटे हुए, भारी बारिश के बीच जंगल की आग से लड़ते हुए, त्योहारों के बावजूद उनका काम नहीं रुकता। दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती है और रात आती है अनिश्चितताओं के साथ। इस अद्भुत जीव की रक्षा के लिए
ये योद्धा करते हैं महानतम त्याग। ये कहानियां हैं उनकी, कहानियां मध्य प्रदेश के जंगलों से, ये कहानियां हैं टाइगर वॉरियर्स की। बहुत ही शानदार प्रदर्शन टाइगर वॉरियर्स का। दूसरी एक छोटी लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन करना चाहेंगे, पेंच लैंड ऑफ जंगल बुक। ये पेंच टाइगर रिजर्व के इतिहास, वर्तमान स्थिति और मोगली की कहानी के तथ्यों पर आधारित है। प्रमोशन करें। जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं, पेंच लैंड ऑफ जंगल बुक। जी हाँ, बहुत ही अभिनव पहल वन विभाग का कि इन शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से हमें उनके जंगल के जीवन से हमें रूबरू कराते हैं। और आखिरी गौर ट्रांसलोकेशन फिल्म का हम यहाँ पर प्रमोशन चाहेंगे, द न्यू होम। गौर के संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में पुनर्स्थापना पर आधारित ये फिल्म है गौर। Twelve Rivers, over 30 tigers, more than 4 lakh acres of forest, grassland and perennial streams, Sanjay Tiger Reserve has it all, except something that was found here earlier has been lost. Gore. I have been working here with Sanjay for quite long, and we were always thought the diversity has to be there. What is missing? So yes, Gore were definitely missing. With a fully grown bull weighing over a ton, the Gore is the largest species of wild cattle in the world. Once abundant here until the mid-90s, in just a few years, the last Gaur had disappeared. From entire landscape, from 95 to 2000, all the Gaur gone, wiped out from here. But the Gaur is the custodian of the grasslands and an important link in the ecological chain. And Gaur is a mega herbivore, and you need a horse feeder. Basically, that's how the whole natural cycle operates. Now, over 20 years since its disappearance, a team of passionate officers has set out to restore Gaur to Sanjay Tiger Reserve. But it won't be easy. The team must pick and move select individuals, which means they cannot capture them by herding an entire group into a corner. Instead, each Gaur must be chemically sedated and manually lifted into a truck. Capturing tigers is a very different technique. It's a simple stomach, it's not like mega herbivores, they have 4 chambers. You have to take care of them. Some of the animals are extremely large in size, weighing all the way up to 1,000 kgs.
In this quest, the team will need to employ skill, strength, alacrity. They'll need to brave the weather, survive injuries, and suffer heartbreaks. All to repatriate the top bovid to the home it once abandoned. Success is not a given. Risks loom large. But the hands of these heroes won't rest until Sanjay welcomes the return of the Giants. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही शानदार रहा ये आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, टाइगर वॉरियर्स, पेज लैंड ऑफ जंगल बुक, गॉड ट्रांसलोकेशन, और अब वो पल, वो क्षण जिसका हम सब और इंतजार कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हमारे ये जो कर्मचारी हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, ये अपनी जान हथेली पर लेकर पूरी निडरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं. उनके साहस को हम प्रोत्साहन देते हैं, उनको सलाम करते हैं, और आज यहाँ पर पुरस्कार वितरण कर हम उन्हें एक छोटी सी कहना चाहिए कि प्रोत्साहन देते हैं. अभूतपूर्व साहस और उत्कृष्ट वन सेवा के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अनुभा त्रिवेदी, उप वन संरक्षक, श्री हृदेश हरिभार्गव वन क्षेत्रपाल, श्री नंद किशोर अहिरवार वन संरक्षक. इन्हें माननीय मंचासीन अतिथियों के द्वारा इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है. जोरदार करतल ध्वनियों से हम इनका स्वागत करते हैं. श्रीमती अनुभा त्रिवेदी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इंदौर वन अपराध अन्वेषण अंतर्गत 4 इनामी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी एवं साइट्स अंतर्गत 60 से अधिक जीवित वन्य प्राणियों की जब्ती कर महत्वपूर्ण योगदान दिया. श्री हृदेश हरिभार्गव, पन्ना टाइगर रिजर्व वन अपराध अन्वेषण अंतर्गत वन अपराध प्रकरणों का निराकरण एवं अतिक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. श्री नंद किशोर जी ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन अपराध अन्वेषण अंतर्गत में 9 अपराध प्रकरणों में लिप्त 27 अपराधियों को गिरफ्तार कराया. इनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए हम इन्हें सम्मानित करते हैं. श्रेणी सक्रिय वन्य प्राणी प्रबंधन के अंतर्गत मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ श्री नीलम सिंह, सहायक महावर, डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, श्री ताराचंद गौड़ वन संरक्षण, श्री मोहम्मद सिंह चौधरी वनपाल. इन सभी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं. नीलम सिंह जी ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने सक्रिय वन्य प्राणी प्रबंधन में हाथियों के रखरखाव और उचित प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया. संजीव कुमार जी ने पन्ना टाइगर रिजर्व ने वन्य प्राणी प्रबंधन अंतर्गत 3 स्लॉथ पियर, 10 लेपर्ड, 2 हाथी और 7 बाघों का रेस्क्यू किया है. और ताराचंद गौड़ जी ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ने सक्रिय वन्य प्राणी प्रबंधन अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान दिया. वन्य प्राणी रेस्क्यू दल में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जसमन सिंह रघुवंशी, वन संरक्षक ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य प्राणी रेस्क्यू अंतर्गत वन्य प्राणी रेस्क्यू लाए और उचित देखभाल कर उन महत्वपूर्ण योगदान दिया. जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करेंगे श्री सुधीर पटले जी, उप वन मंडल अधिकारी, वन मंडल प्रकरणों में शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी की है इन्होंने और अपने महत्वपूर्ण योगदान कारावास अर्थदंड सजा में ये करते हैं. श्री प्रशांत देशमुख जी, वन्य प्राणी विशेषज्ञ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश भोपाल, और श्री मनोज सिंह ध्रुवे, सुरक्षा श्रमिक ने पेंच टाइगर रिजर्व ने मोगली हट में आने वाले आगंतुकों का आतिथ्य सत्कार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका करी अदा. ये तो ये रहे हमारे बहुत ही अच्छे वन कर्मचारी जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से इस वन विभाग को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय, आपने इन वन कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया. और अब उद्बोधन का क्रम, विनम्र आग्रह हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर श्री दिलीप अहिरवार जी से, वन राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कि वे कृपया कर मंच पर आए और आज इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर संबोधन दें. करतल ध्वनियों से हम इनका स्वागत करते हैं. बोलो भारत माता की, भारत माता की. आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के हमारे मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करके अभिनंदन करें। हम सबके बीच में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय हमारे राम निवास रावत जी, इनको भी आप ताली बजा के अभिनंदन करें। हमारी मंत्रिमंडल की साथी हमारी बहन आदरणीय कृष्णा गौर जी, इनका भी आप स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित श्री अशोक वर्णवाल जी अपर मुख्य सचिव, श्री असीम श्रीवास्तव जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शोभ रंजन सेन जी उपस्थित सामने सभी विराजमान, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे जनता जनार्दनगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से बड़ी शुभ घड़ी है हम सबके बीच में। वन प्राणियों के उद्भव व विकास की कहानी विस्तृत पृथ्वी के विकास की कहानी है। पहले भारत की अरण्य संस्कृति में वन प्राणी निर्भर होकर वनों में विचरण करते थे। भारतीय संस्कृति में वन जीवों का विशिष्ट स्थान रहा है। विभिन्न देवी देवताओं के वाहन भी वन जीवी ही थे। वन प्राणी संरक्षण की अवधारणा भारतीय संस्कृति में काफी पुरानी है। सम्राट अशोक के शासन काल में भी वन जीवों के लिए अभय वन बनाए जाते थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अभयारण्य की परिभाषा दी है। वह पंचेत्र जहाँ वनजीवी बिना किसी भय के अपने प्राकृतिक रहवास में निर्भर होकर विचरण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में सिर्फ वनजीवियों का संरक्षण भर ही नहीं होता बल्कि जैव विविधता का भी संवर्धन होता है। राष्ट्रीय उद्यान देश के ऐसे संरक्षित क्षेत्र है जहाँ वनस्पति एवं वनजीवी दोनों सामान्य वनों की तुलना में अत्यधिक सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र पर्यटकों के मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, पर्यावरण चेतना अध्ययन एवं शोध के लिए भी अति उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण का दबाव देश के जंगलों पर सबसे अधिक पड़ा है। मानव के विकास के साथ वन प्राणियों को प्राकृतिक रहवास का भी विनाश हुआ है। मानव और वन प्राणियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का खामियाजा वन प्राणियों को भुगतना पड़ा है। भारतवर्ष में इस सदी के अंत में 40,000 से अधिक बाघ थे जिनकी संख्या कम होते होते विलुप्त की कगार पर पहुंच गई। इन्हीं परिस्थितियों को सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तथा प्रारंभ में 9 संरक्षित क्षेत्रों के और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व भी एक था। जबकि आज मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 7 हो गई है और निकट भविष्य में 2 क्षेत्रों और इसमें जोड़ने की संभावना है। अपने प्रदेश में वैज्ञानिक तरीके से जन समर्थन में किए गए प्रयासों का परिणाम यह रहा कि पिछली 2 लगातार हुई बाघ आकलन में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ दर्ज हुए और प्रदेश बाघ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। बाघों की संख्या में वृद्धि प्रदेश की जैव विविधता समृद्ध के संकेत है। बाघ का विवरण संपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करता है जिससे वनों से प्राप्त होने वाली परिस्थितियां सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में 13 टाइगर युक्त देशों के सम्मेलन में TX2 का संकल्प लिया गया जिसे भारत वर्ष में वर्ष 2022 में ही पूरा कर दिया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मध्य प्रदेश का ही 785 बाघों के साथ रहा। वर्ष 2010 से ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत हुई ताकि बाघ संरक्षण प्रयासों के बारे में आम जन को जागरूक किया जा सके। बाघ के संरक्षण में जनता की भागीदारी को यथोचित स्थान मिलना अति आवश्यक है। जन जागरूकता का अभाव वन प्राणियों के प्रति अज्ञान एवं अंधविश्वास से वन प्राणी के संरक्षण कार्यक्रम में बाधक है। विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में वन जीवी एवं पर्यावरण संरक्षण विषय को अनिवार्य किया जाता होगा। वनों में वन प्राणियों के संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर जन जागरण कार्यक्रम आयोजित कर बांध संरक्षण को काफी हद तक सफल बनाया जा सकता है। हम सबका दायित्व है कि आयोजन केवल एक शासकीय आयोजन बनकर न रह जाए बल्कि हमारे पूरे वर्ष और जीवन भर यह प्रयास करने है कि वन प्राणी जो हमारे लिए प्रकृति के अनुकूल देन हैं उन निरीह मूक प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण में प्राणपण से सहयोग करें। सबके मन में इनके प्रति संवेदनशीलता और दया भावना बनी रहे ताकि यह विरासत हम अपनी भावी पीढ़ी को सौंप सकें। आइए हम सब मिलकर अपने लिए एवं भावी पीढ़ियों के लिए
वन एवं वन जीवों के संरक्षण के प्रति पुनः संकल्प लें एवं अपनी जीवन शैली में प्रकृति अनुकूल परिवर्तन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के आह्वान को सफल बनाएं। एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन राज्य मंत्री जी। अब मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ श्री रामनिवास रावत जी को, माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और वे कृपया कर मंच पर आए और हम सभी को संबोधित करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं श्री रामनिवास रावत जी का। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के इस शुभ अवसर पर बाघों के संरक्षण के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय आदरणीय श्री मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ आप मोहन यादव जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं मंत्रिमंडल की सहयोगी सम्माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, उनका भी आप तालियों से स्वागत करें। आदरणीय हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी आप स्वागत करें। सम्माननीय श्री एसीएस बर्णवाल साहब, असीम श्रीवास्तव जी और वाइल्ड लाइफ के सम्मानित पीसीसीएफ साहब, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आप सबको और प्रदेश की जनता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने वन्य प्राणियों के साथ साथ सह अस्तित्व का सिद्धांत अपनाकर हमारे प्राकृतिक विरासत को बचाने में हमेशा सरकार का पूरे प्रदेश की जनता ने सहयोग किया है। इसके लिए पूरी प्रदेश की जनता धन्यवाद की पात्र है। हम बाघों के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में बाघ सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से ये मध्य प्रदेश जाना जाता है। बाघों का संरक्षण या वन्य जीव, इस अवसर पर सभी विभाग के और अन्य गणमान्य अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है और हम तो और सौभाग्यशाली, कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते सड़कों पे, रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि बस ये इधर ऊपर जा करके, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो, अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं, वैसे तो भगवान की दया है, लेकिन ये सुखद संयोग भी है, अच्छी बात भी है। यद्यपि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की है और वो जो आजादी के समय के चित्र आप लोग ही बताते हो, दौर ऐसा गया जब राजा अपने शिकार की गिनती बंदूक से मारे जाने वाले मूक पशुओं से अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है, लेकिन इस गलती की कीमत कैसे चुकाना पड़ती है ये हम सबको ध्यान में आया है। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है, हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट हैं। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा है, और विभाग को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आपने तो कमाल कर दिया है।
एक के दो तो सुने थे, एक के तीन कर दिए। और ये आंकड़ा थमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे ऐसे कई और जंगल बुला रहे हैं जहां हमको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। आज 7 टाइगर रिजर्व हमारे पास है। राजस्व भी लगभग 55 से 60 करोड़ का टूरिस्ट के माध्यम से होता है। 25 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे पास आते हैं। ये अपनी पूरी इकोनॉमी बदलने के लिए टूरिज्म के सेक्टर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो प्रयास है उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, जो परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम को भी सुधारेगा लेकिन हमारे जंगल की रक्षा भी करेगा। और बदलते दौर में तो अब और आगे बढ़ गए हैं, एशिया में भी नंबर आ गया है। एशिया में चीता कहीं मिले न मिले, लेकिन चीता अपने मध्य प्रदेश में, ये हम सबका सौभाग्य है, इसकी भी बधाई देता हूं। और मेरे को क्या मालूम कि चीता लाते तो वन मंत्री वहां मिल जाते हैं, हमको वहां चीता तो मिला ही मिला, वन मंत्री भी वहीं से मिले, बधाई देना चाहूंगा वन मंत्री जी को। तो हमारे लिए ये और सौभाग्य की बात है। आपने फॉरेस्ट का वो बेल्ट जिसमें सर्वाधिक तकलीफ भी थी, गुंजाइश भी थी, जब भी जाते थे श्योपुर मुरैना के लोग इस बात के लिए, हमारे जंगल में ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। मैं भी बड़ा मुश्किल में पड़ जाता था कि ठीक है भाई, जंगल तो है लेकिन जंगल के मंत्री अब मैं ढूंढ रहा था, मिले नहीं। फिर हमने कहा एक काम करो, सबसे अच्छे मंत्री जी मिल गए, इनको जंगल मंत्री बना दो तो ये सारी समस्या खुद ही समाधान करेंगे, खुद ही निराकरण करेंगे। समस्या भी बड़ी जोरदार जोरदार है। हमारी समस्या है कि हमारे अपने राजस्थान के बेल्ट का लगा हुआ हिस्सा है और लगे हुए हिस्से में हमारा टाइगर उधर चला जाए, उधर का टाइगर इधर आ जाए, चीतों की अपनी वो दुनिया है, वो कहाँ निकल जाए पता ही नहीं चलता है। जहाँ चीता है वहां तो उनकी टेरिटरी बना करके, मैं भूपेन यादव जी से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा भाई बाकी वहां तो फेंसिंग करके रखते हैं, तो उन्हें हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते। अरे बोले इतनी बड़ी फेंसिंग करें कि अपना बजट तो समझो भारत माता की जय हो जाए, इसी में इतना लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा बजट नहीं है तो, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि चीता को भी खेलने की जगह मिलती, वो अपने जो मूल उनका स्वभाव है उस स्वभाव से वो जाना जाता है, तो वैसी उसकी जगह भी मिलना चाहिए। लेकिन बाघ के साथ बात करने का मजा अलग है। बाघ का अपना स्वभाव, जंगल का राजा कौन है, हैं? कौन है साहब? कोई शेर बताता है कोई जंगल का राजा, आमतौर पे तो कि लायन को ही मानते हैं, लेकिन मुझे लगता कि अन्याय करते हैं। हम अपनी व्यक्ति की, अपने पशु की, हमारे टाइगर की सही आदत नहीं डालते। जंगल का राजा लायन लोग मानते हैं, लेकिन जंगल का राजा लायन थोड़ी है। लायन की जिंदगी के हिस्से के अंदर जाके घुसोगे, उसके अपने स्वभाव को देखोगे तो लायन दिखने का बड़े बाल वाला और एक तरह से उसकी भी अपना परिवार बसा के चलता है, लेकिन कमाने खाने में आलसी है भाई, वो अपने बलबूते पे नहीं खाता कमाता है। तो जो अपने बलबूते पे कमाने खाने की हिम्मत नहीं रखता वो कैसे राजा हो सकता है। लायन के लिए कोई और शिकार करता, उसके परिवार के बाकी लोग पकड़ते हैं, वो जब शिकार हो जाता है तो लायन कहता मैं सबसे पहले खाऊंगा। तो ये तो अपने इस संस्कृति के तो थोड़े से अपन विरोधी है। हमारे में पुरुषार्थ होना चाहिए, हम में पराक्रम होना चाहिए। ये पराक्रम पुरुषार्थ टाइगर दिखाता है कि हाँ मेरा शिकार है मैं खाऊंगा, न केवल वो अपने शिकार को बल्कि शिकार भी, जैसे कई लोगों से प्रश्न करते हैं कि हिरण का झुंड जा रहा है, एक हिरण, दो बच्चे, बूढ़े सब दौड़ रहे आगे आगे, अब लायन को शिकार करना, तो 90% लोगों से प्रश्न पूछो कि लायन उस दौड़ते हिरण में से किसको पकड़ेगा, कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई बीमार होगा, कोई स्वस्थ होगा। 90% लोग जवाब देंगे वो कोई बच्चे को पकड़ लेगा, बूढ़े को पकड़ लेगा। ये पकड़ने के पीछे उनके अपने खुद के स्वभाव से वो जवाब देते हैं। फॉरेस्ट वाले तो जानते हैं, उनको क्या बताना कि वो पकड़ेगा अपने पुरुषार्थ से जो सबसे स्वस्थ है उसको पकड़ेगा। मैं भी पूछता हूँ, मजाक करता हूँ कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो बोले वो उसको पकड़ने में जल्दी आ जाएगा, बच्चा या बूढ़ा जल्दी पकड़ लेगा।
हमने कहा वो पकड़ने खेल के लिए नहीं पकड़ रहा है, वो भोजन के लिए पकड़ रहा है, और अपनी भोजन की थाली स्वस्थ पकवानों से भरी जो हो वो खाना हर आदमी पसंद करता है कि नहीं करता। टाइगर भी देखता कि जो सबसे स्वस्थ है, सबसे मेहनत जरूर कराएगा, लेकिन मेहनत के बाद जो पाएगा पुरस्कार भी तो आनंद का मिलेगा, भोजन भी तो इतना मजे का मिलेगा, उसको भी तो एहसास है इस बात का। और इसीलिए टाइगर की ऐसी कई आदतें हैं बड़े आनंद के साथ। हमारे यहाँ के टाइगर तो और आगे बढ़ गए, मध्य प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया। नया रिकॉर्ड कैसा बन गया? आमतौर पर टाइगर जहां निकलते हैं वहां मनुष्य और इनके साथ में जीने की आदत जंगल के हिसाब से, भोपाल के टाइगर और आगे निकल गए। उन्होंने कहा दिन में तुम घूम लो, रात को मैं घूम लूंगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। ये भी रिसर्च का बड़ा विषय हो गया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो अपने टाइगर कर रहे हैं। तो टाइगर स्टेट का दर्जा मिला तो इसका आनंद ही अलग है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। बात तो बहुत सारी कहने के लिए है, लेकिन अभी जो हमारे लिए वर्तमान के दृष्टि से विभाग जो कर रहा है, विभाग के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे अनाथ बागों को या अनाथ बाग के शावकों को प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करते हुए हमने कान्हा टाइगर रिजर्व में उनको सफल प्रयास से एक तरह से पुनर्स्थापित किया है। अब आगे जाकर के कुछ और अपने यहाँ जैसे और ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट बुला रहे हैं कि जहां ये प्रयास करे, लेकिन कुछ और प्रजातियों को भी आप याद दिलाएं। मैं बैठे बैठे अभी बोल ही रहा था कि क्या हमारे जंगल के अंदर आप में से सब लोग, मुझे लगता है कि यहाँ अधिकांश पूरा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है, लेकिन ये नागपंचमी आने वाली है। अभी अपन किंग कोबरा की बात करें तो हमारे जंगल में किंग कोबरा दिखाई दिया है क्या किसी को? तो किंग कोबरा का निध न दिखाई देना ये भी कहीं ना कहीं खटकता है, अटकता है। तो हमारे लिए यद्यपि सांपों की गणना करने वाला पार्ट कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रजाति तो पाई जाती थी ना पहले, 50-60 साल कितने साल पहले तक थी। तो इस दिशा में ऐसे और कौन से हमारे यहाँ के अलग अलग प्रकार के इस प्रकृति के जीव जो खूबसूरत है लेकिन काल के प्रवाह में विलुप्त हो गए, इनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। अभी बल्कि मैं तो चाहूंगा आगे जाकर के कभी और अच्छी कार्यशाला लगाओ, विद्वानों को बुलाओ। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन इस दिशा में हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आज के पर्यटन खास करके बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वन विभाग की ओर से सप्रेम भेंट स्मृति चिन्ह हम देने के लिए निवेदन करते हैं श्री असीम श्रीवास्तव जी से, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख जी से। और साथ ही हम निवेदन करेंगे कि स्मृति चिन्ह के द्वारा जोरदार करतर ध्वनियों से स्वागत कीजिए। श्री शुभ रंजन सेन जी से भी साथ में निवेदन है कि साथ में आप भी उपस्थित हों मुख्यमंत्री जी को। हमारे माननीय श्री रामनिवास रावत जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर आज इस कार्यक्रम का बहुत बहुत आज का इस कार्यक्रम का बहुत शानदार क्षण और पल स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री शुभ रंजन सेन जी और श्री असीम श्रीवास्तव जी से पुनः आग्रह कि हमारे श्रीमती कृष्णा गौर जी का भी स्वागत स्मृति चिन्ह से करें। श्री असीम श्रीवास्तव जी, श्री शुभ रंजन सेन जी से भी पुनः आग्रह, श्री दिलीप अहिरवार जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। आज ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज यहां संपन्न हुआ, बहुत ही बहुत धन्यवाद। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्रीमती डॉक्टर समिता राजौरा जी से निवेदन कि वे कृपया कर मंच पर आकर आभार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। मेरा सौभाग्य है जो मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का सुअवसर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, या कहें मुख्यमंत्री टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश
का मैं सर्वप्रथम हृदय से आपके वन परिवार के हर एक सदस्य की ओर से धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञता।